ये वाला जो आइकिया है ये तो बहुत छोटा लग रहा है, इसकी एंट्रेंस तो बहुत छोटी है, या शायद एक साइड है पार्किंग की, पार्किंग मतलब बहुत छोटी है। अब देखते हैं अंदर जा कैसा है। सऊदी अरब से तो बहुत छोटी पार्किंग है ना शराब? नहीं अच्छा अच्छा मुझे जो रास्ता नजर आया उसमें तो छोटी लगी है। अच्छा शराब मुझे कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है और पार्किंग बहुत बड़ी है। हाँ ये पूरा मॉल सा बना, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। कोस्टा कॉफ़ी जो है ना वो मेरी फेवरेट है। सऊदीया की यादें वापस आ गई हैं। तो हमें पूछा था आपको आइकिया अच्छा लगता है, मैंने कहा आई लव आइकिया। क्या मैं आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सारा का सारा लेगो से बनाया हुआ है, ये देखो लेगो के मिलियन पीसेस हैं। सभी ये स्टोरेज है, पता है स्टोरेज है। हाँ। यहाँ पे छोटे छोटे से रूम्स बने होते हैं और उनकी जो है वो डेकोरेशन के आइडियाज मिल सकते हैं। ये डाइनिंग टेबल है 995 1000 दिरहम्स की डाइनिंग टेबल है, लेकिन अच्छी खासी बड़ी है ये। शहजाद इस तरह का कोई हम सोफ़ा रख सकते हैं, जैसे पीछे देखें इतना सही है हमारा एरिया भी है ना, ज़्यादा से लिटरली ये वाला भी उठा के हम रख सकते हैं। हाँ इस सोफ़ा की प्राइस बहुत ज़्यादा है, 5100। हाँ हम जस्ट यहाँ पे आइडिया लेने के लिए आए हैं और ये कारपेट बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह का जो है ना हमारा सेटअप जो है ना किचन सॉरी लाउंज का वो इसी तरह ही अच्छा लगेगा। वहाँ पे हम एंड पे जहाँ पे आपने देखा हुआ ना कि सोफ़ा नाराज़ होकर बैठा हुआ मुँह उधर करके जो आप बोलते हैं, मुझे कॉमेंट्स आते हैं। हाँ मुझे किसी ने कॉमेंट किया हुआ था कि आपका सोफ़ा नाराज़ है जो सबसे मुँह दूसरी तरफ करके बैठा हुआ है, तो वो जो नाराज़ सोफ़ा है मैं आपको सोफ़ा का मुँह तरफ है ना, वहाँ पे हमारी गैलरी है, ठीक है बैल्कनी है वहाँ पे, और यहाँ पे हम सोफ़ा की जगह पे रख लेंगे डाइनिंग टेबल, और उसके बाद यहाँ पे हम रख सकते हैं इस तरह से एक एल शेप सोफ़ा हमने लेना है, और टीवी हमारा इधर ही है, इतना ही है। नीचे से जो उसके चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है वो हटा देंगे और वॉल यूनिट को अच्छा सा वहाँ लगा सकते हैं। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ आइडिया दैट आई एम लुकिंग फॉर, इसी में कुछ चेंजेस करेंगे। ये चेयर्स भी अच्छी हैं, इवन ये एल शेप भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत छोटा है, मतलब इस पर लिटरली 4-5 लोग ही बैठ सकते हैं। और ये कितने का है? ये 3800 का है, बहुत प्यारा लग रहा है। शहजाद ये देखिए सोफ़ाज़ कितने अच्छे लग रहे हैं। ये 1 3-seater सोफ़ा जो है ना ये है 2300 दिरहम्स का, और ये 1750 का, वेरी कोजी। शहजाद ये कितना अच्छा लग रहा है, कोजी सा।
मैं पूछने लगता हूँ कैसे हैं। ये भी अच्छा है जिसमें सारे कुशन्स वगैरह या ब्लैंकेट, अगर जैसे बच्चे फ्लीस ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं वो इसमें आ सकते हैं, तो स्टोरेज भी मिल जाती है। ये बालकनी का आइडिया कितना अच्छा है, ये देखें कर्टन्स लगा के, लाइट्स लगा के, और ये इस तरह से चेयर्स रखी हैं, वहाँ पे पॉट है, ये देखें वेरी नाइस। मुझे और आइडिया बहुत अच्छा लगा है कि हमारे घर में स्टोरेज जो स्पेस है नीचे फ्लोर वो छोटा है ज़ाहिर है, तो कम स्पेस में ना इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं कि जैसे ये वॉल पे टीवी है ना कनेक्टेड, तो एक यूनिट सिर्फ नीचे है, बाकी वॉल पे देखें कितने अच्छा यूनिट उन्होंने लगाया हुआ प्रॉपर। इस तरह का कुछ लगाया हो तो स्टोरेज का मसला भी ख़त्म हो जाता है, और ये कि सब कुछ नीचे फ्लोर पे नहीं रखना पड़ता जिसकी वजह से ज़्यादा जगह जो है वो कवर हो जाए। और उसके अलावा ये देखें उस साइड पे सारी कंप्यूटर टेबल है एक साइड पर, उसके साथ भी वॉल यूनिट्स लगाए हुए हैं, तो वो चीज़ जो है ना वो अच्छी है। तो इसका मैं आपको फ्रंट से व्यू देती हूँ, इसका फ्रंट से व्यू है, यहाँ पर साइड पर कंप्यूटर टेबल है और ये सामने टीवी है, और ये सारा वॉल यूनिट सामने आपको नज़र आ रहा है, और ये देखें सोफ़ा इस तरह से पड़े हुए हैं, और एक सेंटर टेबल है और कारपेट है। बहुत अच्छी तरह से जो है ना चीज़ों को वो किया हुआ है। ये तिहामी कह रहे हैं तिहामी का टाइप का रूम है, हाँ ये स्टडी एरिया जैसे छोटा सा होता है ना, ये वर्ल्ड मैप तो हमने उधर भी देखा हुआ है, ये वाले रग्स उधर भी देखे हुए हैं। ये मेमो बोर्ड विद मैग्नेट्स है, और इसके ऊपर आप अपनी चीज़ें वगैरह लगा सकते हैं मैग्नेट्स के थ्रू, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों की कंप्यूटर टेबल के या स्टडी टेबल के सामने लगी हो तो इस पर बच्चे अपनी चीज़ें लगा सकते हैं मैग्नेट्स के थ्रू। एक ये भी है एल शेप सोफ़ा। यहाँ ज़्यादातर जो है ना घर छोटे होते हैं, स्पेस कम होती है और उसको यूटिलाइज़ करना होता है, तो बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया हुआ है। आप देखिए सिर्फ इतने से एरिया में उन्होंने, आई विश मैं आपको कैमरा के थ्रू प्रॉपर दिखा सकती कि कितना छोटा सा एरिया है, इसी में उन्होंने किचन बनाया हुआ है, इसी में उन्होंने डाइनिंग रूम डाइनिंग एरिया छोटा सा बनाया हुआ और वहाँ पे लिविंग एरिया बनाया हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल टॉप तक जो है उन्होंने कैबिनेट्स लगाई हुई हैं, तो स्टोरेज सिस्टम बहुत अच्छा है, और ये छोटा सा एक किचन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इतना सा ये फ्लोर है, यहाँ पर हम आते हैं तो ये देखेंगे डाइनिंग एरिया है, और इसके बिल्कुल साथ ही लिविंग एरिया बनाया उन्होंने, और सारी जो स्टोरेज है वो वॉल पे माउंट कर दी है, जिस वजह से बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो गया एरिया, है ना शहजाद। आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, आइडियाज़ फैंटास्टिक हैं। ये सोफ़ा कितने का है, ये अच्छा लग रहा है मुझे वैसे, आई एम प्रीटी श्योर इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी होगी। हाँ जी बहुत प्यारी प्राइस है इसकी 6600। और अब मैं आपको फ़नी बात बताऊँ, इतने पैसों में हम सारों का विज़िट वीज़ा जो है नया आ जाएगा, जिसमें सिर्फ एक सोफ़ा आएगा। सो आइकिया की ये बात है कि आइकिया जो है ना बहुत एक्सपेंसिव है। बॉक्स आप मुझसे हमेशा पूछते हैं मैं कहाँ से लेती हूँ, मैंने वहाँ पे साको से लिए हुए हैं सऊदी अरब में, लेकिन मल्टी लैच वाइट 19 dirhams में दो लॉक्स हैं, दो है ना शहजाद, दो है कि थ्री है मुझे लग रहा है, अच्छा टू हैं, हाँ टू लॉक्स हैं 19 dirham में, यानी कि ऑलमोस्ट 10 dirham का एक है, और ये बहुत अच्छे हैं, ये इस तरह साइडवेज लग जाते हैं, इवन आई थिंक हाँ फ्लैट भी लग जाते हैं शहजाद, तो ये उठा ले हमारी जो विंडोज़ हैं उस पर लगाने के लिए, है ना। ये लेने लगी हूँ मैं दो, क्योंकि हमारी विंडोज़ पे लगाने हैं, और ये मैं लेने लगी हूँ, तो ये आप आइकिया से ले सकते हैं लॉक्स। एक और आइडिया मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे इस साइड पे किचन है, यहाँ पे साथ में वॉशरूम है, डाइनिंग रूम है और लिविंग रूम है, ठीक है। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ, ये भी बहुत अच्छा इन्होंने स्पेस को कवर किया हुआ है, और बेसिकली मुझे टीवी लाउंज का है कि मैं उसको किस तरह से मैंने यूटिलाइज़ करना है स्पेस को, चलें भी देखते हैं। यहाँ से हम एंटर होते हैं तो ये देखें ये पड़े हुए हैं काउच, और कितना प्यारा सा कर्टन है, मुझे नटिंग के कर्टन बहुत प्यारे लगते हैं, और ये काउच है, और मैं ये भी नोट कर रही हूँ जो कुशन के आइडियाज़ हैं बहुत यहाँ पर रियाद के मुकाबले में बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, और ये यहाँ पे इन्होंने टीवी यूनिट लगाया हुआ सारा, उसके अलावा ये सेंटर टेबल यहाँ रखी हुई है,
और वो ऊपर जाने का रास्ता है जो कि ब्लॉक्ड है, और ये सारी डाइनिंग टेबल है। इतने से एरिया में इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल सेट की हुई है, और ये है एक्सटेंडेबल डाइनिंग टेबल। ये एक्सटेंड हो जाती है, और अगर आपने एक्सटेंड नहीं करनी तो ये छोटी सी बन सकती है। देखते हैं कि ओरिजिनली ये कितने सीटर है। वन पर्सन कैन क्विकली एंड स्मूथली एक्सटेंड द टेबल बिफोर द गेस्ट अराइव, ऑल्सो अवेलेबल इन ब्लैक। आई थिंक मैं इसी तरह की कोई लूँगी जो एक्सटेंड हो सकती है। आगे जाके हम देखते हैं, तो इसी टाइप की कोई लूँगी। फ़ायदा नहीं है कि अगर छोटी डाइनिंग टेबल ले लें, बड़े ज़्यादा लोग आएँ तो बड़ी डाइनिंग टेबल ले लें। एक वॉल यूनिट ये है टीवी के साइड पे, जो कि बहुत प्यारा है। हम ऐसा यूनिट जो है ना वो डाइनिंग टेबल के साइड पे कोई लेके लगा सकते हैं, और जिसमें सारे जो जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं, क्रॉकरी वगैरह, वो इसमें आ जाए। और ये देखें लैम्प्स कितने प्यारे हैं, और हैंगिंग लैम्प्स हैं, और ये देखें कितने प्यारे कलर के सोफ़ाज हैं। शदाद ये भी कितना अच्छा जो है वो शेड है ना, मस्टर्ड सा, बहुत ही प्यारा शेड है। हाँ, लेकिन ये अच्छा तब लगेगा कि अगर हमारे घर में लाइट्स भी येलो हों, अदरवाइज नहीं। चले एक बाय द वे, ये कुशन कवर जो है ये 40 दिरहम का, 39 दिरहम का, और ये बहुत प्यारे आए हुए हैं फैब्रिक जी। हाँ, लाइट्स बहुत प्यारी लग रही हैं, और ये ये स्टोरेज कॉम्बिनेशन विद डोर्स, ये 2600 दिरहम का है। $125 का ये घर में लगाया जा सकता है। दिस इज़ द प्रीटीएस्ट आइडिया एवर। ये बैल्कनी की सेटिंग की हुई है, मैं आपको एक ना क्यूट सी बैल्कनी की सेटिंग दिखाती हूँ। ये पीछे इमेजिन करें कि ये पीछे जो है ना सिटी है, और ये देखें यहाँ पे ये सारी जो टाइल्स हैं ये भी यहाँ पे मिलती हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। वैसे तो लगी होती हैं बालकनी में, और इस तरह से आप प्लांट्स रख सकते हैं। और ये मेटल का ये एक रैक है पड़ा हुआ, जिसके ऊपर आप अपनी स्टोरेज रख सकते हैं। उसके अलावा ये देखें, इतनी सी, इससे थोड़ी सी छोटी है मेरी बालकनी, लेकिन थोड़ी सी बड़ी हो ना तो बहुत अच्छी स्टोरेज हो जाती है। और ये देखें ये रग रखा हुआ है, और साथ में ये टेबल है, प्लास्टिक की एक टेबल चेयर है, साथ में उधर भी पॉटेड प्लांट्स हैं, और छोटी सी जगह कितनी खूबसूरत बन जाती है। तिहामी जब छोटा था ना, तो तिहामी हर जगह से स्टफ टॉयज उठाता था, कलेक्ट करता था, और वापस रख के आता था उनकी प्लेस पे कि मामा मैं एनिमल्स को रेस्क्यू कर रहा हूँ, है ना, याद है। और एक वैगन भी होता था जिसके अंदर मैं लेके, हाँ, जिसके अंदर लेके जाता था तिहामी। देखें ये आइडिया कितना प्यारा है, पीछे वॉल पिंक है, और इसके साथ ये रैक है, ये है 245 का, और कितना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन, सो प्रिटी। ये बालकनी का एक और आइडिया भी है, यहाँ पे प्लांट्स रखे हुए रैक्स पे, और ये वन सोफा रखा हुआ है प्लास्टिक का, और दूसरी साइड पे ये रैक है जिसके ऊपर सारे पॉटेड प्लांट्स हैं, हैंगिंग के लिए भी है। ये 595 की टेबल है, और ये देखें इस तरह से एक्सटेंड होके तो लंबी हो जाती है, अदरवाइज़ आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। सीट्स 2 to 6 पीपल, अगर आप इसको दोनों साइड से फोल्ड कर देते हैं तो फिर 2 पीपल बैठते हैं, नहीं तो अगर पूरा खोल दे, ऐसे खोला हुआ है तो 4 लोग बैठ सकते हैं, और यूं खोलें तो 6 लोग बैठ सकते हैं। और ये भी उसी तरह ही एक्सटेंडेबल है, दोनों साइड से एक्सटेंड हो जाती है ये वाली। ये भी है 2 to 4 पीपल के लिए, ये वाली जो मैंने आपको उधर दिखाई थी एक्सटेंडेबल, वहाँ लिखा हुआ, हाँ ये, लेकिन एक्चुअली मुझे लगता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 10 पीपल भी बैठ सकते हैं इधर। बहुत अच्छी है, बहुत स्पेशियस है, और चेयर जो है इसी तरह की तकरीबन हमारे पास थी वहाँ पे रियाद में, 195 की है, और वहाँ से हमने आई थिंक 125 की चेयर्स ली थी, या 145 की, और ये चेयर्स इसी तरह की कोई लेंगे। Customers.
ये देखें टेबल मैट्स की भी डिज़ाइंस अच्छे हैं। ये बिल्कुल प्लास्टिक की है, नायलॉन होता है ना जो नीटेड वो वाला। ये कॉम्पैक्ट 6 के लिए भी है, देखें ये देखें जी, ये बटन प्रेस करेंगे तो ब्लाइंड्स के भी नाइस। ये आइडिया बहुत अच्छा लगा है कि लाइट्स जो है ना वो आप उनको वार्म या कूल टोन में कर सकते हैं, यानी कि वाइट या येलो में कर सकते हैं इजीली बटन से स्विच करके। तो आई थिंक इस तरह की ही कुछ लिया जाए ना, लेकिन घर अपने नहीं है ना, तो फिर इसलिए लेते हुए सोच आती है कि फिर क्या फ़ायदा। अब मैं आपको इंतहाई एक फंक्शनल किचन दिखाती हूँ, आप बहुत इम्प्रेस होंगे, जो कि मैं भी इम्प्रेस हुई हूँ, दिखाती हूँ। ये आइलैंड है, उस साइड पे सिंक है और इस साइड पे स्टोव टॉप है, ठीक है। और यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं स्टूल्स रख के, और ये सारी स्टोरेज है। और ये छोटा सा एरिया है, ये आप देखें बहुत छोटा एरिया है। और ये सारे रैक्स हैं, इसमें मल्टीपर्पज़ रैक्स बने हुए हैं, ये देखें स्लाइड हो जाते हैं, इसमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। और ये देखें लेजी सूजन बनाई हुई है, विच इज़ सो अमेजिंग। कैबिनेट्स हो ना, कॉर्नर कैबिनेट्स हो, उसमें लेजी सूजन बनी हो, तो आपको और चाहिए क्या है ना। ओके इधर भी ये देखें, ये देखें वाओ वेरी नाइस। ये वाली लंबी कैबिनेट है जिसके अंदर हाथ नहीं जाता वाला फ्रीज़र फ्रिज होता है जो वॉल में लगा हुआ कैबिनेट्स के साथ, बिल्कुल वैसा ही लगता है। और ये बेसिकली इंटीग्रेटेड फ्रिज और फ्रीज़र होता है। ये देखें बाहर से कैबिनेट लगती है, लेकिन अंदर से इसके अंदर फ्रिज और फ्रीज़र की जगह है। ये देखें है ना नाइस। ये सारा फ्रीज़र है, सेम है। किया में हम यही तो लेने आए थे, ये देखें मिल गए। प्लास्टिक बैग डिस्पेंसर, और ये हम लेने लगे एक, और ये है 11 दिरहम्स का, यही तो हम लेने आए थे। क्या कह रहे हैं, हम हाइल से आए दुबई है सिर्फ इसको लेने के लिए। शिजात कह रहे हैं हम हाइल से दुबई आए इसको लेने के लिए। लिटरली यही लेने आए थे हम, और सारा एक्सप्लोर कर रहे हैं। वैसे हमने आइडियाज़ भी देखने हैं सोफ़ाज़ के, डाइनिंग टेबल के, कि अगर लेनी है तो किस तरह से हम लोग अपनी सेटिंग करें। और मिशु मिशु के फेस जितना था उसका फेस है, हाँ बहुत बड़ा है। मोटा आप इसको रख के इसके ऊपर बैठ सकते हो, है ना। ये ट्रैवल मग्स हैं फॉर 7 दिरहम्स, और ये इस तरह से हैं ये, और ये कार में आराम से रख सकते हैं बच्चे। तो ये एक मैं ले रही हूँ मिशारी के लिए, एक मैं ले रही हूँ तेहामी के लिए। थी ना सोफ़ाज़ वगैरह के, और टीवी लाउंज लिविंग रूम का जो आइडियाज़ थे वो मैंने आपसे काफ़ी सारे शेयर किए, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और बाकी डिफरेंट आइडियाज़ मैं शेयर नहीं कर रही हूँ अभी। यहाँ पे बेडरूम सेट्स भी हैं, किचन सेट्स भी हैं, और बाथरूम वगैरह भी हैं। उसके अलावा ये सारा किचन का और यूजेज एरिया है। और मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको आइडिया अच्छा लगा तो फिर मैं आपको और भी मज़े के यहाँ से आइडियाज़ दिखाऊंगी। आइकिया पे ही हम अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे और आपके लिए हम दोबारा आ जाएंगे दिखाने के लिए। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब
आइडियाज़ अच्छे लगे हैं कि नहीं? ज़रूरी नहीं कि बंदे ने पूरा फर्नीचर चेंज करना हो या कुछ, लेकिन छोटे छोटे आइडियाज़ से आपको हेल्प हो जाती है और आप अपने फर्नीचर को और अपने जो आपकी स्पेस होती है उसको रीअरेंज कर लेते हैं और थोड़ी बहुत डेकोरेशन लगा देते हैं, तो जो है ना बहुत डिफरेंट सा हो जाता है लुक पूरे उस एरिया का। तो मुझे बताइएगा कि अगर आपने बाकी जो घर के बाकी एरियाज़ होते हैं वो भी देखने हैं तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये सीलिंग क्लिप्स हैं और ये यहाँ सिंगल पड़े हैं, ये बड़े वाले ही ले लूँ, है ना? छोटे बहुत कम यूज होते हैं, आई थिंक बड़े ले लूँ। हाँ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। हाँ तो हमी ने तो खा लिए थे, हमी आइसक्रीम खाएगा। और ये है बर्गर किंग हमारे, आप भी उतार लो, मिशू उतार लो, इसको उतार लो। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और ये जो आइकिया है ना, ये फुल ऑफ आइडियाज़ है। यहाँ पे मैंने अभी तो आपको सिर्फ लिविंग रूम का दिखाया आइडिया, आप डाइनिंग रूम और किड्स बेडरूम या फिर मास्टर बेडरूम या फिर स्टडी रूम, कंप्यूटर रूम और क्या रह गया, किचन और बाथरूम, बैल्कनी, ये सब आइडियाज़ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं इस वीडियो में, मैं आपसे शेयर करूँगी। इंटरेस्टिंग लगेगा, ज़रूरी नहीं कि हमने इतना एक्सपेंसिव लेके अपना घर बनाना होता है, लेकिन हाँ आइडियाज़ एक अच्छी जगह से कॉपी किए जा सकते हैं और उसके जो हैं वो लेस एक्सपेंसिव वर्जन हम यूज़ कर सकते हैं। हम आइकिया से कोई भी फर्नीचर नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन यह कि आइडियाज़ हम ढेर सारे कॉपी करेंगे। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको और आइडियाज़ चाहिए, इवन किचन की, अगर किचन में स्टोरेज कम है ना तो उसको यूटिलाइज़ किस तरीके से किया जा सकता है, उसके लिए भी बहुत सारे अमेजिंग आइडियाज़ जो है ना आइकिया में अवेलेबल हैं। तो चलिए हम अपना खाना खाते हैं, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वाह मीशो, आपको तो प्लेटों मिल गई। हाँ ठीक है, मैं बता जी जी। Can we alone in the castle in the sky? We can.